मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, जिसमें तीन सिचुएशन थी जो मैं आज रिवाइज कर देती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। पहला था जिसमें पी आर और एन आपको नॉर्मली दिया हुआ था, तो आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना था पहले और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए माइनस पी करना था। इसमें आर अगर आपको फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर आर फ्रैक्शन में ही लिखना था और नीचे 100 इंटू करना था, जैसे यहाँ पर किया हुआ है 25/2 × 200, उसको सॉल्व करना था। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन थी उसमें एन यानी टाइम पीरियड आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो इस और ये एनुअली था, तो एनुअली की दोनों कंडीशन बता रही हूँ। ये भी एनुअली कंपाउंडेड था, ये भी एनुअली कंपाउंडेड था। तो जब अगर आपको एन फ्रैक्शन में दिया हो तो 2 ईयर्स का ये इसका अलग निकलता है होल पार्ट का, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का अलग से निकलता है। पहले 2 ईयर्स का ए वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, फिर जो इसका आंसर आता है उसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन पी फिर ये नहीं रह जाता है, पी जो इसका आंसर आता है वो पी रखा जाता है। इसका आंसर जो आया था वो पी रख के फिर हम सॉल्व करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल अमाउंट ए आ जाता है, और सीआई के लिए सेम फॉर्मूला है ए माइनस पी। और तीसरा जो मैंने बताया था वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड अगर होता है तो यहाँ पे आर को आधा कर दिया जाता है और जो भी ईयरली टाइम पीरियड दिया रहता है उसको इंटू टू करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली यानी 6 महीने में एक बार, तो साल में 2 बार होता है, तो जो भी ईयरली टाइम पीरियड है उसको इंटू टू करते हैं, तो वो टाइम पीरियड आपको यूज़ करना होता है। तो एक तो ये आधा होता है और ये इंटू टू होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। जो रेट होती है हमेशा एनुअली कैलकुलेट होती है, इसलिए दी जाती है। अब इसलिए जब हमको हाफ ईयरली बोला जाता है तो उसको हम आधा करते हैं, तो इसका पी हो गया 26,400, आर हो गया 15% और ये कंपाउंडेड ईयरली लिखा हुआ है, एनुअली यानी साल का ही लिखा हुआ है नॉर्मल सम है। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर and 4 months टू क्लियर द लोन। अब ये उस टाइप का सम है जिसमें जो मैंने फ्रैक्शन वाला बताया था ना, यहाँ पे ये पी हो गया, ये आर हो गया और ये जो एन है वो 2 ईयर्स 4 months है, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये 2 ईयर्स का अलग निकलेगा, 4 months का अलग निकलेगा। तो पहले तो पी आर लिख लिया और एन के लिए 2 ईयर 4 months, यानी ये 2 ईयर + 4 months को भी हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, अब मंथ को ईयर करना है यानी ये डिवाइड होगा, इसलिए 4/12 उल्टा चलते हैं तो डिवाइड करते हैं, मैंने बताया मंथ को ईयर करना है तो ये 4/12 ईयर हो गया। तो यानी पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा 2 ईयर का उसको हम पी मानेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से बाकी का इसका निकालेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब इस तरह का टाइम पीरियड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड जो था इसी तरह से कराया था। तो देखिए इसमें हमने किया पी 1 + r/100 का होल एन, इसमें आर हमारा 15% है और ये पहले 2 ईयर्स का निकलेगा, बाद में इसका निकलेगा। 2 ईयर्स के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया एलसीएम 100 आएगा, तो ये 100 + 15/100 और होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिखना है 115/100। फिर इसको हमने कटवट करके जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो 34,914 आया। ये 2 साल का निकला, अभी 4 महीने का बाकी है। तो मैंने बताया था कि पहले ये निकालना है, फिर इसको पी रखते हुए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से बाकी का निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पी ये हो गया, आर 15 ही रहेगा, एन 4/12 हो गया और अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 174570/100, तो 174570 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब टोटल अमाउंट जो होगा इसका आंसर और इसका आंसर जो आया दोनों को प्लस करने पे आएगा, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब इसमें आपको सीआई नहीं निकालना है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट निकालना है तो आप खाली अमाउंट ही निकालेंगे, उसमें आप सीआई नहीं निकालेंगे, अमाउंट तक निकाल के छोड़ देंगे। खाली फ़र्क ये है कि 2 ईयर 4 months और एनुअली है, तो 2 ईयर्स का अलग निकालना है, 4 months का अलग निकालना है और फिर दोनों को प्लस कर देना है। 2 ईयर का ए के फॉर्मूले से निकलेगा और 4 months का जो आएगा इसको पी रखते हुए एसआई के फॉर्मूले से निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ईयरली या हाफ ईयरली है, ये अमाउंट निकालना है या सीआई निकालना है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट पे स्टॉप हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फबीना बोरोस ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच। यानी ये क्वेश्चन कैसा है कि एक ने जो फबीना नाम की है, हो सकता है नाम आपकी अलग अलग बुक में अलग अलग हो, मेरी बुक में यही नाम था,
तो फबीना जो है वो उधार लेती है, उसका पी 12,500 है, आर ये है, और एन जो है वो 3 ईयर्स है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट से लेती है। तो हम ऐसा ही वाले फॉर्मूले से फबीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, और राधा जो है कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, खाली 10% हो गया है 12% की जगह। तो उन दोनों का आपको निकालना है। तो फॉर फाबीना हम देख लेते हैं, पी 12,500, आर 12% था और एन 3 ईयर्स था। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, पी आर एन अपॉन 100, तो 12,500 इंटू 12 इंटू 3/100, तो ये इसका आंसर आएगा 4,500। अब राधा के लिए क्योंकि ये अमाउंट सेम था और टाइम पीरियड सेम था, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया था और कंपाउंडेड एनुअली हो गया था, तो नॉर्मल ए का फॉर्मूला लगेगा। और ए के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वही यहाँ आएगा एलसीएम लेने पे। 110 को 3 बार लिखना था, 110/100, 110/100, 110/100, फिर इसको सॉल्व करना था 0 0 काट के। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो आया है 16,637.15 ये आया। अब दूसरा जो है सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने पे इन दोनों को माइनस करते हैं, ए माइनस पी, ये पी है, ए माइनस पी यानी ए माइनस ये किया, तो आंसर आया 4,137.15। अब इसमें आपको पूछा था हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने पे ये 312.50 रुपये, इसका आंसर और एसआई वाले का आंसर का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 312.50 रुपये आता है, यानी ये 4,500 ज़्यादा है। तो वो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, फबीना ने, क्योंकि जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे रेट कम हो गई है इसलिए ये राधा का कम हो गया है, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड हमेशा ज़्यादा होता है। ये 4,500 माइनस ये करेंगे तो 362.50 आएगा, फबीना पॉइंट्स फेस मोर इंटरेस्ट रुपीज़ 362.50, ये आपको लिखना था। यानी सिंपल एक का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल तो डायरेक्ट निकलता है, लेकिन कंपाउंड के लिए ए निकाल के ए माइनस पी करना होता है, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना था और किसका ज़्यादा था वो बता देना था कि इसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो ये आपका सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन थोड़े सम बड़े होते हैं, लेकिन आपको प्रोसीजर सेम ही है, तीन चीज़ें अगर आपने दिमाग में बैठा ली जो स्टार्टिंग में मैंने बताई, तो ये पूरी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं आप। 4 आई बोरो रुपीज़ 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। यानि सेम पर्सन है वो, पहले सिंपल इंटरेस्ट पे उसने उधार लिया है, तो 12 ये इसका पी हो गया, ये आर हो गया और ये एन हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट से वही पी आर एन बाई 100 के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका आता है 1,440 रुपये, यानी एक्स्ट्रा उसको 1,440 और देने पड़ेंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर यही अमाउंट, यही सेम 6% एनुअली एनम पर ईयर के हिसाब से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता तो कितना एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ता, तो वही सेम चीज़ के लिए ए वाले फॉर्मूले से पहले ए निकालेंगे, 12,000 प्लस 1 + 6/100, और ये एन 2 था, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये 106/100 हो जाएगा, और उसको 2 बार लिखना है, और फिर कट करके जब हम सॉल्व करेंगे इनको, 12 × 106 × 106/10, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, और 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 13483.20, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमको कंपेयर करना है, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला था, तो पी ए माइनस पी करेंगे, ये जो आंसर आया उसमें से 12,000 जो हमारा पी था वो माइनस करेंगे, तो 1,483.20 आएगा। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट मेरा आया था 1,440 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 43 रुपीज़ 20 पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो आई हैव टू पे ₹43.20 एक्स्ट्रा अगर यही लोन, यही उधार में कंपाउंड इंटरेस्ट से लेती हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर सेम डेटा हो, पी आर एन सेम हो, तो हमेशा कंपाउंड ज़्यादा होता है सिंपल से। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेम वही फॉर्मूला है, सिंपल सा था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ए का फॉर्मूला लगाया पहले, ए का फॉर्मूला लगाने के बाद उसके बाद सी आई निकाला और डिफरेंस निकाला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से 43 और 20 रुपीज़ 20 पैसा ज़्यादा पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में वासुदेवन, अगर आप देखेंगे तो सारे सम एक जैसे ही हैं, आप ध्यान से देखिए और करिए उसको। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर। यानी अब आपको पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है आपको, लेकिन एन कैसा है, 6 मंथ्स और 1 ईयर है, दो सम है। पहला है 6 मंथ्स, तो मैं मंथ्स जब हाफ ईयरली होता है तो मैंने बताया है कि आर आधा हो जाता है, यानी 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6%। और एन जो होता है, एन 6 मंथ्स है, मंथ्स को इंटू 2 नहीं करना है, उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना है, जो भी ईयरली दिया होता है उसको इंटू 2 करना होता है, ये मैंने बताया था, क्योंकि साल में 2 टर्म होती है अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 6 महीने का एक, अगले 6 महीने का दूसरा। तब यहाँ पे क्योंकि ये मंथ में दिया है तो पहले तो आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 मंथ्स मतलब 6/12, 6/12 को काटेंगे तो हाफ ईयर हो जाएगा, 6/12 का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयर, 1/2 ईयर। अब ईयर में कन्वर्ट करके इंटू 2, मैंने आपको बोला है कि जो भी ईयरली दिया होगा उसको इंटू 2 करना है और आर को आधा करना है, तो इसको जब हमने कट किया तो 1 आया, तो ये 1 आप लेंगे यहाँ पे एन, ये डेटा आपको मिल गया। अब ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में अब ये डेटा आधा वाला और ये वाला एन यूज़ होगा, और वही अमाउंट का फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, 63,600 आएगा। यहाँ पे अमाउंट पूछा था तो अमाउंट निकाल के आप आगे CI नहीं निकालेंगे, आफ्टर 6 मंथ का अमाउंट उसका ये है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में भी यही करना है क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो आर आधा हो गया और 1 ईयर ऑलरेडी दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बोला है जब आधा हो जाता है तो उसको इंटू 2 करना होता है ईयर को, तो ये 2 आएगा, तो इसका एन जो आएगा वो 2 आएगा, तो वो सेम फॉर्मूले में आपको करना है सॉल्व। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे 1 + 6/100 होल 2, तो ये 106/100 होगा, इसको 2 है यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 106 106 और ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 67,416 इसका आंसर आएगा। ये सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, हाफ ईयरली था तो आपको इसको आधा और इसको इंटू 2 करना था, लेकिन यहाँ पे मंथ्स है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करके फिर आपको करना था मंथ्स को, और यहाँ डायरेक्टली ईयर दिया था तो इंटू 2 कर देना था। हाफ ईयरली में आपको ध्यान रखना है रेट आधी होगी और टाइम पीरियड जो भी दिया हुआ है ईयरली उसको इंटू 2 करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक, यानी पी उसका हो गया 80,000। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यानी रेट उसका 10% है और डिफरेंस इन अमाउंट निकालना है, ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये जो कंपाउंडेड एनुअली की मैंने सेकंड सिचुएशन बताई थी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला था बी वाला, कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है और आपको टाइम ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1.5 ईयर, तो 1 साल का अलग निकलेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा वो पी मान के सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आधे साल का निकलेगा, तो वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। पहले हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, पी आर और एन हमने लिख लिया, 2 × 2 नहीं करना है, हमको फ्रैक्शन ऐसे ही रहने देना है, 1 ईयर + 1/2 ईयर इस तरह से निकालना है। जब एनुअली में इस तरह से दिया हो तो 1 को अलग कर देना है, 1/2 को अलग कर देना है, तो पहले 1 + r/100 का होल एन 80,000, 1 + 10% था तो 10/100, और ये n 1 था क्योंकि पहले 1 का निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से ये 110/100 हो जाएगा और ये 1 है तो एक ही बार होगा, जीरोस कट करेंगे, 8,011 से मल्टीप्लाई होगा तो 88,000 आएगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये खाली 1 साल का निकला है, अभी आधे साल का निकालना है, तो मैंने बोला था कि बाकी का जो हाफ ईयर है वो इसको प्रिंसिपल रखते हुए निकलता है, अब ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा PRN/100 में, पी ये हो गया, आर 10/100 जो आर जो था 10 हो गया, और एन हमारा जो है 1/2 है, ये 1/2 हो गया और नीचे 100 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4400। अब टोटल अमाउंट जो होगा वो इन दोनों को प्लस करने पे आएगा, तो इन दोनों को प्लस करने पे 92,400 आता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन अमाउंट निकालना है तो CI निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो ये CI नहीं निकलेगा, फिर ये हमारा अमाउंट आ गया 92,400। ये कब आया, जब एनुअली है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो पहले हमने एनुअली निकाला, अब हाफ ईयरली निकालते हैं, तो हाफ ईयरली में आपको याद होगा आर आधा होता है और ये इंटू 2 हो जाता है, तो यहाँ देख लेते हैं, पी सेम है, आर 10% था तो हाफ ईयरली में आधा हो गया, और ये ईयर में दिया हुआ है एन,
तो 2 × 2 + 1 3/2 हो गया, और n को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ईयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिक्स था तो इम्प्रॉपर कर लिया, 2 से 2 कट गया, तो ये n3 यूज होगा आप यहाँ पे, और ये r5 होगा। तो सेम फॉर्मूला से p + r/100 का होल n करके यहाँ पे 5 रखेंगे 10 की जगह, और यहाँ पे 3 रखेंगे। तो इसको सब सॉल्व करेंगे हम, तो 105/100 का पावर 3 है, तो 3 होने से 3 टाइम्स लिखेंगे, ये 6 जीरो हैं, 4 इधर कट जाएंगे और बाकी बचा हुआ हम लिख लेंगे। इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा अपॉन 100, नीचे बचा हुआ था तो 2 कट जाएंगे, तो 92610। अब ये दोनों आया, एक एनुअली निकाल लिया हमने और हाफ ईयरली निकाल लिया, लेकिन हमको पूछा था क्या डिफरेंस इन अमाउंट, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया ईयरली और हाफ ईयरली में, वो हम दोनों के अमाउंट के आंसर को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आया 210 रुपीज़ का। सिंपल सा प्रोसीजर है, सब जगह वही चल रहा है जो हम शुरू से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन मिल गई इस क्वेश्चन में। पहला तो ये है कि अगर नॉर्मल सब दिया हुआ है, ये 2 साल दिया होता है, ये 10% और ये, तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा देते, कोई झंझट नहीं थी, आप अमाउंट निकाल लेते। लेकिन मैंने दूसरा एनुअली में आपको बताया, अगर इस तरह से अगर एन दिया हुआ है तो आप पहले इसका निकालिए और फिर उसको अमाउंट पी रखते हुए इसका एसआई के फॉर्मूले से निकालिए, और दूसरा जो हाफ ईयरली है इसमें इसको आधा करिए और इसको इंटू 2 करिए ईयर वाले पार्ट को, अगर ईयर नहीं है तो पहले ईयर में कन्वर्ट कर दिए। बस इसी पे ये सारे सम हैं, लेंथी हैं, कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन अगर आप करेंगे अपने आप तो बहुत ईजी है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये एक्सरसाइज कीजिए, बाकी के सम बाद में करेंगे। थैंक यू।